स्ट्रॉन्ग रूम गाइस, तो कैसे आप सब। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी गंज करवा ली है और ये मेरी गंज हुई है क्योंकि मैं अभी 15 दिन पहले उमरा करके आया हूँ। तो अभी मैं वापस दुबई आ गया हूँ। आज ये आप देख लें, हम गाड़ी को जंप स्टार्ट करने लगे हैं क्योंकि इसकी बैटरी हो गई है डेड। करते हैं जंप स्टार्ट। मेरे पास कोई मोबाइल होल्डर नहीं है, तो फिर मैं आपको मिलता हूँ जब जंप स्टार्ट करने के बाद। फिर मैं आपको बताता हूँ हम जा किधर रहे हैं। जंप स्टार्ट हमने कर ली है, इसकी अभी बैटरी चेंज करवानी है, तो फिर मैं आपको उधर मिलता हूँ। अभी हम गाड़ी में रखते हैं और फिर चेक करें आप। ये गाड़ी अभी हम पार्क करते हैं, पार्क करके उसके बाद दूसरी गाड़ी पे चलते गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप चेक कर सकते हैं। कल रात को मैंने गाड़ी जंप स्टार्ट अपनी की थी, तो उसके बाद मैं इसे ड्राइव पे ले गया था। मैंने कहा चलो बैटरी ज़रा चार्ज हो जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद मैं घर आया हूँ, मैंने उसी टाइम बंद की है और दोबारा मैंने कहा एक बार चेक कर लूँ स्टार्ट करके। स्टार्ट किए, गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। इसके बैटरी का ही कोई इशू है क्योंकि इसके स्क्रीन के अंदर भी ना एक वार्निंग साइन आ रहा है, वो पहले कभी नहीं आया। उसकी वजह से एक कैमरा होता है, कैमरे के अंदर वो पीछे लाइंस होती हैं ना जो आपको बताती है कि इस साइड पर आपने मतलब आप कितनी डिग्री पे टर्न ले रहे हो, तो वो लाइंस भी नहीं आ रही। उसका भी मसला आया हुआ है, अभी चेक करवाते हैं क्या इसका मसला है। तो फिर उसके बाद आज एक और इसका काम करवाना है, दो काम है इसके, वो करवाने हैं। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ अपने साथ। तो मैं अभी दिखाता हूँ इसका क्या मसला है। ये देखें, एक ये वार्निंग साइन आ रहा है और दूसरा जब आप रिवर्स करते हैं तो ये वाली जो लाइन है ना ये शो ही नहीं हो रही, बाकी सब हो रही है, ये वाली नहीं हो रही, ये वार्निंग साइन इधर है। नाश्ता तो मैंने किया नहीं, टाइम अभी 3 बज गए और मैं उठा, मैंने कहा अभी गाड़ी का काम पहले करवा लें। और नाश्ता ये दूध, यमी। ये मुझे सबके बनती हैं यार। इधर अभी हम आ गए, अभी ना गाड़ी की बैटरी की वारंटी है तो इसलिए पैसे मेरे बच जाएंगे। ये अभी भाई ने इधर अपनी गाड़ी मार दी, रिवर्स कर रहे थे। वर्कर्स खाना खा रहे हैं तो 5-10 मिनट अभी लग जाएंगे, उसके बाद काम शुरू होगा। बैटरी किधर से चेंज होगी? ये अभी वोल्टेज वगैरह चेक कर रहे हैं, वोल्टेज का इशू आ रहा है शायद बैटरी से। क्या अभी बैटरी अभी चेंज हो गई है, तो अभी देखते हैं शायद वो
एरर खत्म हो गया। नहीं यार ये कुछ और ही मसला है, इसको भी फिर ट्योटा के सर्विस सेंटर ही लेके जाऊंगा, वहां पे दिखाऊंगा क्या मसला है ये। तो अभी बैटरी तो चेंज करवा ली, अभी मैं जा रहा हूँ इसके टायर और रिम चेंज करवाने। अभी मैंने कहा चलो गर्मी है तो फिर अभी ज़रा नॉर्मल टायर पे चला लूँ, क्योंकि ये ऑफ रोड टायर पे ना ज़रा मज़ा नहीं आता रोड पे चलाने का, तो इसलिए मैंने कहा इसके टायर और रिम चेंज करवाते हैं। ओरिजिनल नहीं मैं लगवा रहा, ओरिजिनल रिम नहीं मैं लगवा रहा, रिम तो मैं आफ्टर मार्केट ही लगवा रहा हूँ उसके रेस के। तो वो कल मैंने डिज़ाइन पसंद कर लिया था, फिर उसके बाद उसके पास तीन कलर हैं, सिल्वर है, ब्लैक है और ब्रॉन्ज है। तो उनमें से मुझे ज़्यादा प्यारे लगे हैं ब्रॉन्ज और ब्लैक। तो अभी वहाँ पे देखता हूँ, आगे लगाऊंगा ब्रॉन्ज और पीछे फिर ब्लैक लगा के ना, तो फिर देखूंगा कैसा लगता है कलर, तो आपको भी मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। एक ये और एक ब्लैक है, देखो अच्छा क्वालिटी ब्लैक अभी लगा दिया है। ब्लैक वैसे मुझे अभी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी ब्रॉन्ज लगता है, फिर देखते हैं कौन सा सही है। अभी प्यारे तो दोनों लग रहे हैं, देखते हैं अभी। अभी मैंने ब्लैक ही डिसाइड किए हैं, क्योंकि गाड़ी के ये क्रोम वगैरह सब ब्लैक कर देने हैं, तो फिर मैंने कहा उसके साथ फिर ब्लैक ही कलर अच्छा लगेगा। अगर गाड़ी ब्लैक होती फिर ब्रॉन्ज ज़्यादा प्यारे लगने थे। बाकी आज ये भी रिपेयर करवाने हैं। ये डेजर्ट में जब गया था मैं, गाड़ी नीचे गई तो फिर वो डाउन हिल था, तो वहाँ पर जाके लगी गाड़ी। चेक कर रहे हैं आप, अभी चलते हैं इसका और फिर काम करो। अभी रिम लगवा ली है और टायर मेरे पास पहले ही पड़े थे, वो यूज़ नहीं किए थे, वो टायर लगवा लिया। फिर उसके बाद जो दूसरे ऑफ रोड वाले टायर हैं, रिमो टायर, वो पीछे रखे हुए हैं। एक्सटीरियर पे क्रोम वगैरह वो सब कुछ ब्लैक करवाने हैं, और उसके बाद भी इंशाल्लाह एक दो और काम है वो भी करवाने हैं, और बम्पर का भी रह गए। अभी घर जाना है, भाई को दूसरी गाड़ी की चाबी लेनी है, चाबी देनी है, वो मैं साथ ले आया था। ये भाई को गाड़ी की चाबी देनी है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं बम्पर का शायद आज ही करवा लें या फिर कल, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। फिर अभी घर तो आ गए, लेकिन भाई बाहर चले गए थे, तो उनको भी ये गाड़ी बाहर ही दे के आनी है। और ये आप चेक करें माशाल्लाह। तो अभी माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। कपड़े मैंने चेंज कर लिए, अभी बाहर मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो अभी चलते हैं।
ये कपड़े कुछ देने लॉन्ड्री पे। मुझे व्लॉग बनाने का याद नहीं रहा, फिर मैंने पिज़्ज़ा टेक अवे किया था, अभी घर जाके खाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आप में से 50% ऐसे लोग हैं, 50 से भी बल्कि ज़्यादा, जो सिर्फ व्लॉग ही देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें चैनल को, फिर इससे आपकी सपोर्ट का पता चलता है कि आप कितनी सपोर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।